ये तस्वीर है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर ग्रामीण भारत की, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके मजबूत इरादों की। घर की चार दीवारी से निकलकर अपने समुदाय, अपने गांव के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी उठाई है बिहार के समस्तीपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इन महिलाओं ने। इन्होंने अपने जैसे अन्य ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है, जो है पैसों के लेन देन के लिए कई किलोमीटर दूर स्थित बैंकों के चक्कर काटना। गांव में बैंकों का नहीं है तो 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर गए तो लिंक फेल है तो यूं ही दिन भर काट के आना है, कुछ नहीं हुआ तो कल फिर जाइए तो फिर खर्च पड़ जाता है। 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, विड्रॉल भरना पड़ता है, इसके बाद मुझे पैसे मिलते हैं। सरकार द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कई प्रगतिशील कदम उठाए जाते रहे हैं। इन्हीं में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी यानी बीसी सखी के तौर पर बैंक और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ना। बीसी सखी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की वित्तीय समस्याओं का समाधान बैंकों द्वारा तय किए शर्तों व नियमों को समझाकर आसानी से कर देती है। ऐसी ही एक बीसी सखी है 24 वर्षीय मैट्रिक पास प्रियंका भारती, और ये है उनका छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र जो गांव वालों को सभी मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें ग्राहकों की पहचान करना, जानकारी एकत्र करना, बचत खाता खोलना, खाते में जमा निकासी करना, मनी ट्रांसफर करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, विधवा पेंशन, स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की निकासी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान एवं सखी मंडल के बचत और लोन संबंधी सेवाएं शामिल है। यहाँ पे हमारे दूर दूर तक के कोई बैंक नहीं है। कभी कभी हमको भी ये प्रॉब्लम हुई है कि पैसा लाने के लिए या तो ATM का चक्कर लगाना पड़ता था, बैंक के चक्कर लगाना पड़ता था, घूम के भी वहाँ से कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये समस्या यहाँ पे हम दूर करवाएं कि उनको जो बैंक से जो जाते थे लाने के लिए वो अब अपने CSP गांव में ही उनको पैसा मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट नहीं पता चलता था कि बाहर से पैसा आया, कितना आया, नहीं आया। नज़दीक में हो जाने के कारण रात में भी आते हैं मेरे यहाँ, बोलते कि मैम चेक कर दो, तो चेक करके बता देती हूँ कि हाँ आ गया भाई या नहीं आ गया। जो लोग सेवा केंद्र तक आने में असमर्थ है, बीसी सखी प्रियंका उनके घर जाकर उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। मैं प्रियंका हूँ, आप कॉल किए थे दादी के पैसा निकालने के लिए। ना किसी लाइन में लगने का झंझट और ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत, बस आधार नंबर बताया, दादी का आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाया, ये फिंगर लगाइए यहाँ पे, और काम झट से हो जाता है। दादी ये आपका पैसा। ग्रामीणों को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हर बीसी सखी को POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था के लिए कम ब्याज पर एक मुश्त रकम उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बीसी सखी द्वारा काम शुरू करने के 6 से 9 महीनों तक उन्हें 3 से 4 हजार रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बीसी सखी के रूप में महिलाओं के चयन के पीछे भी एक खास वजह होती है। बैंक शाखा खोलने में इन्वेस्टमेंट या और सारी जो चीज़ें हैं, पूरे सेटअप, वो इतना आसान नहीं है कि हर एक जगह पे बैंक शाखा खोला जा सके। तो इस वजह से एक ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास MORD का है। इसमें महिलाओं का चयन किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं महिलाएं, किसी महिला को हो, कोई घर की बहू हो, कोई बच्ची हो, कोई भी अगर बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहती हैं, किसी को ज़रूरत है, तो अगर कोई पुरुष बैंक का सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट अगर महिला है और वो इस काम को कर रहे हैं
तो किसी के साथ कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है, बैंकिंग सर्विसेज सबों को आसानी से मिल पाती है। बीसी सखी के तौर पर किए गए हर ट्रांजैक्शन पर बैंक इन्हें कमीशन देता है। पहले जहां ये महिलाएं घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, वहीं अब ये 5,000 से 25,000 रुपए महीना कमाकर पुरुषों के मुकाबले परिवार की आर्थिक मदद में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। पीसी सखी के रूप में ये महिलाएं आज एक मिसाल बन गई हैं, जो अपने जैसी अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार कर रही हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की इस घड़ी में भी बीसी सखियों ने गांव वालों की हर मुमकिन मदद की है। सुदूर गांव की इन बीसी सखियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच और उससे जुड़ी कई भ्रांतियों को तोड़कर ग्रामीण भारत को तरक्की की एक नई राह दिखाई है।